सोलन के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां मतदाताओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन जीतने के बाद वह कितने दुखी हैं इस ओर ध्यान तक नहीं दिया जाता, जिसके चलते उनका विश्वास लोकतंत्र से उठता ही जा रहा है। ऐसे ही कुछ मतदाताओं से बाढ़ सत्रह में हम मिले और उनकी व्यथा जानी। ये ज्यादातर साधारण कामकाजी महिलाएं थी जिनकी समस्याएं सुनकर किसी का भी दिल पसीज सकता है, लेकिन यहाँ के पार्षदों ने चुनाव लड़ने के बाद उनकी कोई सो तक नहीं ली, जिसके कारण उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। महिलाओं ने रोते हुए अपने दिल का हाल मीडिया के समक्ष रखा और बताया कि वे बेहद दुखी हैं। घर में पति को अधरंग हो गया है, बेटी बीमार थी, घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, ऊपर से कोरोना की मार पड़ी, सरकार से सहयोग की उम्मीद थी पर नहीं मिली, बाढ़ पार्षदों ने बीपीएल सर्टिफिकेट तक बनाने में सहयोग नहीं किया। वहीं एक अन्य महिला ने बताया कि वे घर में अकेली हैं और वृद्ध होने के साथ साथ बीमार भी हैं, बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है, अब कोई सहारा नहीं है, उन्हें भी सरकार से कोई राहत नहीं मिल रही है, खाने के भी लाले पड़े हैं, पार्षद उन्हें भी बीपीएल सूची में शामिल करने में असफल रहा। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि वोट मांगने तो उनके पास सभी आते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने का वायदा भी करते हैं, लेकिन चुनावों के बाद उनकी कोई सुध नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को बीपीएल सूची में डाला गया है, लेकिन जो वास्तव में हकदार हैं वे सूची में नहीं है। कि जैसे अब हम यहाँ किराएदार हैं, काफ़ी सालों से 20 साल हमारे को हो गए, हमारे को जब चुनाव आते हैं तो हमारे लिए बोला जाता है कि अगले हम आपके लिए ये फैसिलिटी देंगे, गवर्नमेंट की ये फैसिलिटी देंगे, जब फैसिलिटी देने की बात आती है तो ये बोला जाता है कि आप किराएदार हो ना, तो हमारे पास सर पीछे आधार सब कुछ हमारा यहीं से लिंक है, तो हम चाहते हैं कि हमें सारी फैसिलिटियाँ मिलें जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलती हैं, और हम इतने अमीर घर से भी नहीं है, दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं सारे, ये रेडी लगाते हैं, मेरे हस्बैंड पैरालाइज मरीज हैं, लेकिन अगर हम दिहाड़ी लगाएंगे तो सर क्या खाएंगे, पीछे राशन मिला तब गरीबों की नहीं सुनी, अब हम लोग ना बीपीएल में वो लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, जिनकी अपनी मंजिलें हैं, जिनके किराए आते हैं, तो हमारे को वो सारी फैसिलिटी दी जाए सर। हमारे तो बीपीएल से भी कार्ड कट दिए सर, हमारे तो बीपीएल से भी कार्ड कट दिए, अब ये हमारे को भी नहीं पता लगा, जब 2 महीने राशन दिया इन्होंने बीपीएल में, उसके बाद जब लेने गए तो उन्होंने बोला भी आपका तो बीपीएल से नाम कट दिया, खाने पीने की भी दिक्कत है, किराए पे रहते हैं, 2500 रुपया क्वार्टर का किराया देती हूँ मैं, दिहाड़ी भी कहीं नहीं, कहीं नौकरी मांगने जाओ तो बोलते तुम तो बुढ़े हो गए, अब नौकरी कहाँ मिलनी है, कैसे गुजारा करते हैं, बस जो था वो लगा दिया, अब कैसे जी, अब तो दिक्कत आई मेरे को बहुत ज़्यादा, नालागढ़ से भी कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। तो जैसे पेंशन मिलती है सरकार की तरफ तो 3000 मिलती, उससे क्या, तो 3 महीने बाद मिलती, उससे क्या, तो 2500 तो क्वार्टर का किराया ही सर, कोई ना बेटा ना बेटी है, एक ही बेटा था वो भी मार दिया लोगों ने, अब ये पता नहीं है अभी किसने मारा किसने नहीं मारा, कोई प्रूफ नहीं मिला अभी तक उसका, मैं तो ना जीने लायक रही सर ना मैं मरने लायक रही हुई, क्या करूँ सर, मेरे तो कुछ भी नहीं रहा, ना नौकरी है ना कुछ, तो कई लायक भी नहीं रही सर मैं तो, ना मेरी कोई हेल्प करता है, जो सब की हैं वो ही हमारी भी दिखते हैं, बीपीएल में कोई नाम नहीं, जैसे हम गरीब ही हैं सर, 3-3 बेटियां मेरी, कोई बीपीएल में नाम नहीं है, तो ऐसा क्यों है, बीपीएल में जब आप नाम लिखाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, नहीं लिखा हुआ सर, सर हम दिक्कत ऐसी अभी सर, मेरे घर वाले को हार्ट के मरीज थे ना, तो क्या बोलते दो दो स्टंट पड़े उनको, तभी इन्होंने जैसे अब कोरोना इसमें कोई बोला भी राशन देंगे कुछ, कोई हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे सोचते भी चल, हम भी ऐसे सोचते हैं हमको किराएदार है अभी बस, तो कोई किसी ने कोई हेल्प नहीं की, मेरे घर वाले लगाते फ्रूट की रेड़ी लगाते थे, 5 साल हो गए घर में, अभी लगे जाने अभी 10-12 दिन हो गए, तो आपका गुजारा फिर कैसे चला? गुजारा बस ऐसे समझो थोड़े जो थोड़े बहुत रखे थे, नहीं तो मेरी बहन ने की हेल्प थोड़ी बहुत, बस अभी बच्चे भी पढ़ रहे हैं हमारे, हाँ जी उन्होंने की, बच्चे भी वही पढ़ा रहे, सरकार की तरफ से कोई ये नहीं, इलेक्शन जब इलेक्शन होते तभी आते सब दिखाते आके, ऐसे तो बाद में तो कोई नहीं पूछता।